Well, this is not a school, but a classes of a professor जो अपने private classes देते थे, ये उनकी classes थी पहले. आइए देखते हैं, ये उनकी second class है, ऊपर उनका lab भी है. और हमारे साथ में यहाँ पे हैं सर जी. नमस्कार सर जी, आपका नाम? भरत दर्जी. भरत? भरत दर्जी. भरत दर्जी, कहाँ से सर आप? आनंद गुजरात से. आनंद गुजरात से. सर आपका क्वालिफिकेशन क्या है? एमएससी एमफिल. और आप क्या सिखाते थे लोगों को? मैं 11th का फिजिक्स पढ़ाता था. हाँ हाँ. और फिजिक्स और भी आज भी पढ़ा रहा हूँ. ओके. माय प्रोफेशन, आई एम प्रोफेसर इन फिजिक्स. कितने स्टूडेंट्स थे सर आपके? मैक्सिमम 500 से ज़्यादा. ओके. एंड आपने कैंगन बिल्ड करने का डिसीजन कब लिया और क्यों लिया साहब? जैसे आपके बारे में, आपके हेल्थ का, मेरे ख्याल से आपने बोला ब्रोंका केस का. 2019 में मुझे पानी का मशीन मैंने लिया, मैंने एज ए यूजर ही लिया था. 2013 में मुझे ब्रोंकाइटिस हुआ था, ABPA बोलते हैं उसको, वो लंग्स में फंगस बोलते हैं. एलर्जी ब्रोंको पल्मोनरी एस्पोलोजेसिस उसका फुल फॉर्म है, ABPA. तो मासू साहब मुंबई हिंदुजा में उन्होंने डायग्नोसिस किया था. तो 2013 से 19 तक मैंने काफ़ी दवाएं की, लेकिन फिर भी मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला. मार्च 2019 में मैंने ये मशीन खरीदा. तो 35 डेज में मेरा जो पंप था, रेगुलर डेज में जो दवाइयाँ लेता था, वो भी बंद हो गया. तो 6 महीने तक तो मुझे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला. और बाद में मैंने गोवा वो इवेंट अटेंड किया था, अभी मार्च फरवरी में हुआ ना, बीबीबी का. हाँ, बीबीबी का, बिजनेस बियॉन्ड बाउंड्री का. तब से आके मैंने ये डिसाइड कर दिया कि बस अभी तो कैंगन ही करना है. तो मैंने पूरा ट्यूशन जो था वो मेरे एक स्टूडेंट को दे दिया और अभी मैं फुल टाइम कैंगन बिजनेस में. वो क्या डिसीजन था, क्या स्टेटमेंट था जिसने आपको मजबूर किया कि नहीं यार ये करना चाहिए? वो दैट इज द लाइफ चेंजिंग है मेरा. गिरीश कपूर सर जी ने बोला था कि किसका प्लान ए किसका कैंगन है. तो सब लोगों ने हाथ किया खड़े, मैंने भी बोला कि चलो मैं भी हाथ खड़ा करता हूँ, अभी प्लान ए बनाता हूँ कैंगन का. बाद में पूछा किसका प्लान बी रेडी है और यहाँ जो कर रहे हैं वो भी रेडी है. तो मैंने हाथ खड़ा करने का सोचा, लेकिन मुझे कुछ दिक्कत हुआ कि कुछ बोलेंगे. तो बाद में वो बोले कि जिसका प्लान बी रेडी है ना, वो प्लान ए को बंद कर दो, कैंगन छोड़ दो. तो मैंने गोवा से वापस आने के बाद वो प्लान बी जो मेरा जो ट्यूशन था, सोच रखा था कि नहीं चले तो कैंगन, तो ये तो रेडी है तो, लेकिन ये बंद कर दिया, कैंगन भी प्लान ए ही रखा है. तो आपको क्या फ्यूचर लगता है सर कैंगन में? फ्यूचर तो बहुत ही बढ़िया है. आप लोगों को क्या सलाह देंगे, शुड दे बिल्ड अप दिस कैरियर? ऑफकोर्स करना ही करना है. राइट फ्रेंड्स, कोई भी बिजनेस करना है तो पूरी लाइफ करना है. मैं जब ट्यूशन करा रहा था, पूरे 5:30 से रात 9 बजे तक कंटिन्यूस मैचेस ले रहा था. ओके. मैं पैसे तो कमा रहा था, लेकिन आप बोल सकते हैं कि पैसे आदमी को कमा रहे हैं. ये बिजनेस में मैंने कुछ ऐसे लीडर्स को देखे हैं, वो पैसे तो कमा रहे हैं लेकिन वो लाइफ भी जी रहे हैं. काफी बिजनेस में ऐसा नहीं होता. सो दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ फ्रेंड्स. यहाँ पर हमारे साथ में एक टीचर है, प्रोफेसर है, जो बंदे लोगों को गाइड करते थे, कोच करते थे, इनफैक्ट नेशन ग्रूमिंग में काम करते थे. उन्होंने अपनी उस बिजनेस के साथ में जब उन्होंने देखा कि यस, वो करते करते मैं क्यों ना अपने आप के लिए भी कुछ करूँ, यहाँ पर उन्होंने अपना पूरा बिजनेस अपने ही एक स्टूडेंट को दिया था कि एजुकेशन शुड कीप आगे बढ़ते रहना चाहिए. प्लस उन्होंने सोचा अब मैं अपना टाइम और पूरा एनर्जी जो है कैंगन बिजनेस को बिल्ड करने में लगाऊंगा ताकि मैं इंजॉय भी कर सकूं. सो वेलकम, ग्रेट डिसीजन सर, रिस्पेक्ट यू, थैंक यू मच. चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ. थैंक यू मच.